मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज हमारा धरना प्रदर्शन लगातार 356 दिन से जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे अंधे और बहरे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, एलजी प्रशासन के ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने कसम खाई है कि जम्मू के लोगों का सिर्फ और सिर्फ शोषण करना है। लेकिन अब डेली वेदर ने भी एक प्रतिज्ञा की है कि डेली वेदर अब शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। और जैसे हमारे 22 जून को एक साल धरना प्रदर्शन का पूरा हो रहा है, मैं अपने तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितना भी हमारा पीएचई का डेली वेजर साथी है, मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि जैसे हमारे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी, जो दूर के डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ, सभी साथी 2 दिन का कार्यक्रम लेकर के जम्मू में आए। 22 जून को सुबह 10 बजे जम्मू में पहुंचे। 23 तारीख को हमें पता चला है कि अमित शाह जी जम्मू का दौरा करने वाले हैं। 23 तारीख को भी एक रैली होगी जो भाजपा के विरोध में होगी, जो काला दिवस हम लोग मनाएंगे, और भाजपा की डेथ एनिवर्सरी 23 जून को हम लोग मनाएंगे। क्योंकि एक साल से ना भाजपा का कोई कार्यकर्ता, ना भाजपा का कोई नेता, जिन लोगों ने हमसे वोट लिया था, डेली वेजर के पक्ष में नजर नहीं आया। अब इनका मातम मनाएंगे और हमारी जो अगली लड़ाई होगी वो सीधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी, क्योंकि पिछली सरकारों ने डेली वेजर का इतना शोषण नहीं किया था जितना 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे माफ नहीं किया जाएगा। और अगर भाजपा इस विरोध से बचना चाहती है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, या डेली वेजर की रेगुलराइजेशन अंडर SRO 64, या डेली वेजर के साथ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आ जाए। तीसरा कोई ऑप्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को के पास नहीं है। और ये फैसला अब भारतीय जनता पार्टी को करना है कि उसको डेली वेजर का साथ चाहिए या डेली वेजर का विरोध चाहिए। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी करे। जय हिंद, जय भारत।